मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है। कैश मैनेजमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है कैश बजट और दूसरा है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बजट के ऊपर। कैश बजट इज बेसिकली अ प्लानिंग। कंपनी ये प्लान कर रही होती है कि उसके पास फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स रिसीट्स क्या आ सकती हैं और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो कंपनी अपनी कैश बजट के अंदर प्लानिंग करती है कि उसके पास अगले कुछ टाइम पीरियड में अंदर कितनी रिसीट्स आ रही हैं और कितनी पेमेंट्स जाएंगी उसके पास। इस प्लानिंग का फायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि अगले 6 महीने में फॉर एग्जांपल हमारे पास या तो सरप्लस कैश पड़ा हुआ होगा या फिर हमारे पास डेफिसिट आ रहा होगा। सरप्लस कैश कब आएगा? जब हमारी रिसीट्स कैश इनफ्लो हमारी पेमेंट से ज्यादा हो। और डेफिसिट कब आएगा? जब हमारी रिसीट्स हमारी पेमेंट से कम हो जाए। सो ये बेसिकली इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफ्लो ज्यादा है नेट इनफ्लो, और ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटफ्लो ज्यादा है। अच्छा, सरप्लस कैश आएगा तो हम एक डिसीजन लेते हैं Where to invest? कि वो सरप्लस कैश का हम क्या करेंगे, हम उसको आगे जाके डिपॉजिट कर देते हैं और डिपॉजिट करेंगे तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर डेफिसिट आ रहा होता है तो हमें फिर डिसीजन लेना होता है फ्रॉम वेयर टू बोरो। उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, वो फंड्स हम कहाँ से लें। जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए फंड्स लेने पड़ते हैं। तो ज्यादातर हम वो फंड्स कहाँ से ले रहे होते हैं, पहले डिस्कस किया, ओवरड्राफ्ट। तो ये प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लानिंग के लिए हम कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट बनाने का एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल मुझे बजट बनाना है से सपोज जनवरी के लिए, फरवरी के लिए और मार्च के लिए, 3 महीने का मुझे बजट बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले लूंगा इस फॉर्मेट में, पहले दिखाऊंगा रिसीट्स, सही है, और उसके बाद नीचे दिखाऊंगा अपनी तमाम पेमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल पहली रिसीट मेरे पास आ गई कैश सेल्स। अब जिस महीने में एक्सपेक्टेड कैश सेल्स होंगी उस महीने में लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्सपेक्टेड कैश सेल्स है। अच्छा, कैश सेल्स क्या होती है? जिस महीने में सेल्स होती है उसी महीने में कैश रिसीव हो जाता है फॉरन इमीडिएटली। अच्छा, क्रेडिट सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, हमें जो कैश रिसीव होता है वो इमीडिएटली रिसीव नहीं होता। तो हमने जो भी क्रेडिट सेल्स की उन क्रेडिट सेल्स से हमने आइडेंटिफाई किया कि जनवरी के अंदर हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, फेब के अंदर हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, मार्च में हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी टोटल रिसीट्स जनवरी में है 40,000, 60,000 एंड 90,000। ये हमारी इस 3 महीने की जो एक्सपेक्टेड है जनवरी फरवरी मार्च की रिसीट्स आ गई। तो हमने कहा कि ये हमारी टोटल रिसीट्स होगी। अगर और कोई भी रिसीट्स होंगी तो वो भी इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, तमाम रिसीट्स इनफ्लो। उसके बाद हम पेमेंट्स पे गए तो हमने यहाँ पर चेक किया अपनी पेमेंट्स को। तो एक पेमेंट आ रही थी कैश परचेजेस, तो कैश परचेजेस हमने यहाँ पर ले ली। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस के अगेंस्ट कैश पेड टू सप्लायर, कब कब हमें सप्लायर को कैश पे करना है वो हमने यहाँ पर ले लिया। ये हमारे आउटफ्लो चल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन खरीदनी है, उसके अगेंस्ट हमारी पेमेंट होगी फॉर एग्जांपल 10,000। जिस महीने के अंदर पेमेंट होगी वो हमने यहाँ लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमें टैक्स पे करना है
टैक्स पेमेंट, जिस महीने में हमारा टैक्स जाएगा वो टैक्स हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो तमाम पेमेंट्स जो भी रेलेवेंट मंथ में पेमेंट फॉल होगी वो उस रेलेवेंट मंथ में डालने के बाद हमने क्या किया, हमने पेमेंट का टोटल किया, तो ये आ गया 25,000, 8, 5, 13 और 23,000 और 25,000, ये टोटल पेमेंट्स आ गए। वंस हमने रिसीट्स और पेमेंट्स आइडेंटिफाई कर ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिसीट्स और पेमेंट्स को ऑफसेट करना है, प्लस माइनस। उसने तो 2000 लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में, 25,000 कैसे हुआ? अब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसके टोटल को जो ना वो नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करने का मतलब, नेट ऑफ करने का मतलब है हम ये देखेंगे हाँ कि रिसीट्स और पेमेंट में हमारे पास टोटल नेट ऑफ करने के बाद या तो रिसीट ज्यादा आ जाएगी या पेमेंट ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अगर रिसीट ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अगर पेमेंट ज्यादा आ जाएगी तो आंसर हमारा नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम पहले टोटल कर लेते हैं कि रिसीट कितनी है और पेमेंट्स कितनी है और फिर आगे वर्किंग करते हैं इसके। तो दूसरी चीज क्या होगी, रिसीट्स ओवर पेमेंट्स, तो रिसीट्स कितनी है 40,000 की, पेमेंट से 25,000 की, तो नेट रिसीट्स कितनी हुई 15,000 की, 60 माइनस 23 37,000 की नेट रिसीट्स हो गई, और 90 में से 25 तो 65,000, ये नेट रिसीट्स, तीनों रिसीट्स आ रही है ना, क्योंकि रिसीट ज्यादा है पेमेंट कम है। अच्छा, उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस डालना है इसमें, ओपनिंग बैलेंस माइनस में भी हो सकता है, जनवरी के बिगिनिंग में। सबसे पहले हम जनवरी का कंसीडर करेंगे क्योंकि जनवरी का पहला बजट बन रहा है, तो जनवरी के बिगिनिंग में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था वो देखना है। 10,000 कहाँ है 10,000? सर ऊपर है ना, ये तो रिसीट्स है ना जनवरी के, तो जनवरी के महीने की रिसीट्स है, जनवरी के फर्स्ट डेट के ऊपर, तो वो तो दिसंबर से आया होगा ना जी, दिसंबर के एंड में जो कुछ होगा वो जनवरी की फर्स्ट डेट के ऊपर हमारे पास ओपनिंग रखा होगा, वो सवाल में दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल वो ओपनिंग रखा हुआ है 5,000, ठीक है, तो 15,000 हमारे पास इस महीने आया, 5,000 पहले से रखा हुआ था, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कैश एट एंड कितना हो जाएगा 20,000। दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव होता तो प्लस माइनस होता ना। तो बिगनिंग में हमारे पास 5,000 पड़ा हुआ था, इस महीने जनवरी में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आएगा, बजट से हमें कितना पता लगा, बजट से हमें पता लगा कि जनवरी के महीने के अंदर हमारे पास सरप्लस आएगा, वो सरप्लस इसमें प्लस हो गया। अच्छा, अब फरवरी के महीने का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है ना जनवरी का ये वाला, ये फरवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यहाँ आ गया। अब टोटल कितना हो गया, ये फरवरी का एंडिंग बैलेंस आ गया, फरवरी का जो एंडिंग बैलेंस होगा वो मार्च के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, इनको प्लस कर लें, इसको प्लस करें कितना बैलेंस आता है, यानी कि ये बजट हमें ये बता रहा है कि हमारा जो अगला महीना आएगा जनवरी का, उसके बाद जो फेब का महीना आएगा, उसके बाद जो मार्च का महीना आएगा, उसमें हमारे पास सरप्लस मौजूद होगा 20,000 जनवरी के महीने में, फरवरी में 57,000 और मार्च के महीने में 1,22,000। तो सरप्लस आने का मतलब ये कि कंपनी अच्छी है, और जब कंपनी के पास सरप्लस होगा तो वो सरप्लस कंपनी अपने पास तो नहीं रखेगी, सरप्लस के बारे में कंपनी क्या करती है, ये बात करती है वेयर टू इन्वेस्ट,
सही है, कहां पर उस पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। अब एग्जाम में जो रिसीट्स और पेमेंट्स में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, अगर कोई सवाल बनता है तो उसके अंदर क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट रिसीट निकालने में प्रॉब्लम होती है। जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं किसी भी कस्टमर को, तो हमने डेटर्स मैनेजमेंट में पढ़ा था, हम उसे एक क्रेडिट पीरियड असाइन करते हैं। किसी को 30 दिन का असाइन करते हैं, किसी को 60 दिन का असाइन करते हैं, अच्छा किसी को 90 डेज का पीरियड असाइन करते हैं, सही। अब एग्जाम में जब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्रेडिट सेल से कितना कैश रिसीव होगा, तो उसके लिए हमारे पास सेल्स होनी चाहिए और पॉलिसी होनी चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि दिसंबर में हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जांपल 100,000 और जनवरी में हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जांपल 1,50,000 और फेब के अंदर हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जांपल 200,000। अब जिस महीने के अंदर क्रेडिट सेल्स हुई है, ऑब्वियसली पैसा उस महीने में तो नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट का मतलब है उधार। तो हमें देखना पड़ेगा कि दिसंबर की जो सेल्स है 1,00,000 की, उससे कैश कब रिसीव होगा। तो हमने ऊपर पॉलिसी को रेफर किया, कुछ कस्टमर 30 डेज में पे करेंगे, कुछ कस्टमर 60 डेज में पे करेंगे, कुछ कस्टमर जो है वो 90 डेज के अंदर पे करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कितने कस्टमर 30 डेज में पे करेंगे। तो उसके लिए मैंने सवाल के अंदर दे दिया कि 50% कस्टमर 30 डे के अंदर पे कर देंगे एक महीना। 30 डे का मतलब है एक महीना, दिसंबर का मतलब है जनवरी में, जनवरी का मतलब फेब, फेब का मतलब है नेक्स्ट महीने में मार्च में। अच्छा, 30% ऑफ द कस्टमर 60 दिन में पे करेंगे और 20% ऑफ द कस्टमर 90 डेज में पे करेंगे। इसका मतलब है जिस महीने में सेल्स होंगी उस महीने का जो कैश रिसीव होगा वो कुछ एक महीने में रिसीव होगा, कुछ दो महीने में रिसीव होगा और कुछ 3 महीने के अंदर रिसीव होगा, सही। तो ये जो दिसंबर वाली सेल्स हैं, इसका कैश कब रिसीव होगा? जनवरी में कितना रिसीव होगा, कितना बनेगा? 50,000, सही है। फेब में कितना रिसीव होगा? 30%, 30,000, 70,000 और मार्च में रिमेनिंग 20%। हमें एग्जाम में इस तरह से क्रेडिट सेल्स बताई जाएंगी और क्रेडिट सेल्स के बाद उसका रेलेवेंट पीरियड, क्रेडिट पीरियड बता के बताया जाएगा। तो हमें निकालना होगा कि कितने कस्टमर हमें कब पे करेंगे और फिर हम उसको आगे कैश बजट के अंदर प्रोसीड को डालेंगे। अब जैसे जनवरी की बात कर लें, जनवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी है? 150। इसका 150 का 50% कब रिसीव होगा? फेब के अंदर। 30% कब रिसीव होगा? मार्च के अंदर। और 20% कब रिसीव होगा? अप्रैल के, सही। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि फेब के महीने का बताएं कितना कलेक्शन होगी, तो फेब के महीने में हमारी एक ये कलेक्शन हो रही है, फेब के महीने में हमारी ये कलेक्शन हो रही है, तो टोटल कलेक्शन फेब में कितनी होगी? कस्टमर से फेब में हमारे पास आएगा 30,000 और 75,000। तो हम कहेंगे फेब की कलेक्शन कितनी होगी? 1,05,000, सही। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। Let's see this example. Example देखें। The forecast sales of an entity are as follows.
जनवरी फेब मार्च सेल, मार्च अप्रैल, ये इसने सेल्स बताई नहीं, हमें नहीं पता कि ये क्रेडिट सेल्स है या व्हाटएवर जो भी है. ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड रिसीवेबल्स टेंड्स टू पे इन द फॉलोइंग पैटर्न. रिसीवेबल कब पे करेंगे? इन मंथ ऑफ सेल्स. इन मंथ ऑफ सेल्स का मतलब होता है जिस महीने के अंदर सेल्स हुई उस महीने में 10%, अगले महीने के अंदर 40%, 2 months के बाद 45%. क्या ये 100% बना? इन सबको प्लस करके चेक करो, 100% बना? कितना परसेंटेज बना? 45% नहीं, टोटल जी 95%. 5% कहाँ गया सर? ये नीचे लिखा ना, the entity expects the rate of unrecoverable debt to. अगर इसके बारे में, अगर हमें इसके बारे में ना भी बताया जाए, for example, तो हम कहेंगे 5% collect नहीं हुआ. सही है, जो collect नहीं होता वो कहाँ जाता है? Bad debts के अंदर. सही है, bad debts का मतलब वो amount जो हमें collect नहीं हुआ वो bad debts में डाल देंगे. सही है. अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट करते हैं कैलकुलेशन अपनी. तो किस महीने का निकालना है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल का निकालना है, ठीक है. और ये पॉलिसी है हमारी, दिस इज द पॉलिसी, और अप्रैल का निकालना है. इन द मंथ ऑफ सेल का मतलब है उसी महीने में. इन द मंथ आफ्टर सेल्स, एक महीने के अंदर. टू मंथ्स आफ्टर सेल्स, सही है. तुम कहां से स्टार्ट ले? हम स्टार्ट लेते हैं अप्रैल के लिए, स्टार्ट लेते हैं फेब से. अगर जनवरी से स्टार्ट लें तो जनवरी का 10% जनवरी में आएगा, जनवरी का 40% फेब के अंदर आएगा, और जनवरी का 45% मार्च में आएगा. तो जनवरी तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहा. सही है, फेब से स्टार्ट करते हैं. फेब का 10% फेब में आएगा, हमसे रेलेवेंट नहीं है. मार्च में 40% आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए. अप्रैल में कितना आएगा फेब का? 10%. तो फेब का अप्रैल के अंदर आएगा ये 10%, तो मार्च में आएगा 40%, सॉरी 10% फेब में आएगा, 40% मार्च में आएगा, 45% अप्रैल में आएगा. तो हमने कहा 8000 का 45% निकाल लें, ये अप्रैल में आएगा. अच्छा ये कवर हो गया. अब मार्च का, मार्च का 10% मार्च में, और मार्च का 40% अप्रैल में आएगा. कितना हुआ? 1600. सही है. उसके बाद अप्रैल पे आ जाए, अप्रैल का 10% अप्रैल में आएगा. आगे तीनों को प्लस कर लें. ये अप्रैल की रिसीट्स आ गई जो कि क्रेडिट सेल से हमें जनरेट हुई. सही है. आगे आते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर. This is the question. A business has estimated that 10% of its sales will be cash and the remainder credit sales. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जिस महीने में भी सेल्स होती हैं उसका 10% कैश सेल्स होता है और 90% जो होता है ना वो क्रेडिट सेल्स में चला जाता है. तो अक्टूबर के अंदर जो सेल्स हुई हैं
इस 80,000 का ब्रेकअप क्या होगा, इस 80,000 का ब्रेकअप होगा 10% कैश सेल्स होंगी और 90% जो होगी वो क्या होगी, वो क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी, सही। अच्छा कैश सेल्स तो उसी महीने में रिसीव होगी ना, सही। अच्छा क्रेडिट सेल्स के लिए जो पॉलिसी हमें बताई हुई है, पॉलिसी क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द कस्टमर विल पे इन 1 month आफ्टर सेल्स, 30% विल पे 2 months आफ्टर सेल एंड 15% विल पे 3 months आफ्टर सेल एंड 5% विल बी बैड डेट। वैसे ही सवाल है। टोटल सेल्स आर एज फॉलोज, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, क्योंकि 3 महीने तक जा रहा है ना, तो अक्टूबर वाला नवंबर में पे करेगा, फिर दिसंबर में पे करेगा, फिर जनवरी में पे करेगा, सही। इसी तरह मार्च वाला अप्रैल के अंदर, मार्च में पे करेगा कुछ, फिर अप्रैल में, फिर मई में और फिर जून के अंदर, सही। अब उसने हमसे बजट मांगा है, पार्शियल बजट पूछा है, कब से कब तक का बजट बनाना है। प्रिपेयर अ मंथ बाय मंथ बजट ऑफ कैश रिसीट फ्रॉम सेल्स फॉर द मंथ फ्रॉम जनवरी टू मार्च, 3 महीने का बजट बना के दिखाना है उसको। तो हमने यहाँ पर जनवरी ले लिया, फेब ले लिया और मार्च ले लिया, और यहाँ पर हमें रिसीट्स कैलकुलेट करके दिखानी है, सिर्फ रिसीट्स कैलकुलेट करके दिखानी है। तो अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट लें, अक्टूबर से स्टार्ट लें, अक्टूबर से स्टार्ट लेते हैं। अक्टूबर के अंदर 10% तो कैश सेल्स हो जाएंगी, वो तो अक्टूबर में ही चली जाएंगी, हमारे लिए अक्टूबर रेलेवेंट नहीं है, हमें तो जनवरी फेब मार्च में दिखानी है ना। अच्छा अक्टूबर की जो सेल्स है उसका 90% हमारे पास क्रेडिट सेल्स होगा, और उसमें से 90% में से 50% जो है वो नवंबर में पे होगा, 30% जो है वो दिसंबर में पे होगा, वो भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, और 15% कब पे होगा, जनवरी के अंदर। तो अक्टूबर की सेल्स हमने उठाई 80,000, उसका क्रेडिट लिया 90%, ये क्रेडिट सेल्स आ गई, और 15% हमें कब कलेक्ट होगा, जनवरी के अंदर, वो 15% हमने निकाल लिया, फाइंड आउट 15%। $10,800 सही। अक्टूबर हो गया, अब नवंबर पे आ जाए, नवंबर की कैश सेल्स नवंबर में होगी, नवंबर की क्रेडिट सेल्स दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में और उसके बाद फेब में, इसका मतलब है 2 मरतबा आएंगी। तो नवंबर की जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स बनेगी वो कितनी बनेगी, 60,000 का 90% का 30% और 60,000 का 90% का 15%। तो नवंबर का, नवंबर देन दिसंबर देन जनवरी, जनवरी में कितना आएगा और फेब में कितना आएगा, 15,200 जी, सही है जी। नवंबर हो गया, आप दिसंबर पे आ जाएं, दिसंबर में 10% कैश सेल्स दिसंबर में जाएगी और उसके बाद जैन फेब मार्च तीनों में आएगा, 40,000 का 90% का 50%, अब इसका 30%, $5,400 and 810, 810, 810, सही। तो ये दिसंबर भी कवर हो गया, अब बचा जैन फेब मार्च। तो जनवरी का 10% जनवरी में आ जाएगा, 50,000 का
50,000 की कैश सेल्स, 10% कैश सेल्स होती हैं जनवरी में आ गया। 50,000 का 90% का 50% ये फेब में आएगा, कितना होगा? और इसी का 30% निकाल लो, 6,750। जनवरी डन, अब फेब पे आ जाओ, फेब का 10% निकालो, 60,000 का 10%, 60,000 का 90% निकाल के उसका 50% निकालो, 27,000 कवर हो गया। मार्च पे आ जाओ, मार्च की कैश सेल्स 10% होगी, 90,000 का 10% 9,000। आगे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हम तो बजट बना रही है आफ्टर मार्च, ठीक है। अब जैन की कुछ हमारे पास रिसीट्स आ गई, फेब की आ गई, मार्च की आ गई, इन सबको प्लस कर लो वर्टिकली। जैन को प्लस कर लो पहले सारी चीजें, फिर फेब, फिर उसके बाद मार्च। जैन का आ रहा है 49,000 जी। वन मिनट, फेब का, थर्टी फोर थाउजेंड थ्री थर्टी। और मार्च का 43,560। ये टोटल बजट रिक्वायरमेंट पूरी हो, बजट बन गया, ठीक है। तो इस बजट को बनाने का हमें फायदा क्या होगा? इस बजट को बनाने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिसीट्स और पेमेंट्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हमें अपनी कैश को प्लान करने में आसानी होती है, सरप्लस आएगा तो डिसाइड करने में आसानी होती है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और अगर डेफिसिट आएगा तो डिसाइड करने में आसानी होती है कहाँ से कैश रेस करना है। और अगर डेफिसिट आ रहा होगा तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से मिनिमाइज करें ताकि हमारा ये डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के ऊपर। कैश को मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन कैश को प्रॉपरली मैनेज नहीं करती तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि बाज दफा ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कम हो जाता है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, और बाज दफा ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस कैश जमा हो जाता है जिसे अगर वो टाइमली डिपॉजिट ना करवाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। कैश शॉर्टेज हो जाती है या कैश का सरप्लस आ जाता है जिसके ऊपर हमें अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, दैट इज इंटरेस्ट लॉस्ट। जो इंटरेस्ट हम कमा सकते थे वो इंटरेस्ट हमने लॉस कर दिया। दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करती है कि यार उनको कैश कितना रखना चाहिए अपने पास। जैसे हमने इन्वेंट्री के बारे में क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर कम इन्वेंट्री रखते हैं तो स्टॉक आउट हो जाता है, ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो क्या किया जाए। तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इन्वेंट्री हमें इतनी रखनी चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, सही है। इसी तरह जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं सिलेबस के अंदर,
जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कितना कैश रखना चाहिए. पहला मॉडल है विच इज कॉल्ड मिलर और मॉडल, और दूसरा है विच इज कॉल्ड बॉमल्स मॉडल. ये दो कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हमारे सिलेबस में. इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में इसमें एमसीक्यूज आ जाता है. ये दोनों कैश को मैनेज करने की हमें तरीके बताते हैं. सो लेट्स रेफर टू फर्स्ट वन, मिलर और मॉडल. इसके जो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले को छोड़ के बाकी फॉर्मूले जो है ना एग्जाम में शीट में प्रोवाइड किए जाते हैं. मिलर और मॉडल जो है उसने जो मॉडल बनाया है, पहले उसका एक ग्राफ बनाता हूँ कि उस मॉडल की लॉजिक क्या है. उस मॉडल में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि उसके पास उसे मैक्सिमम कितने कैश की जरूरत होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि उसे मिनिमम कितना कैश रखना है. यानी कि ये मॉडल हमें कहता है कि आप ये फाइंड आउट कर लें आपके पास मिनिमम कैश कितना होना चाहिए, ये फाइंड आउट कर लें मैक्सिमम कैश कितना होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान कहीं बीच में आसपास ना एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड रिटर्न पॉइंट. सही है. अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा होगा, कभी कैश आ रहा होगा कभी कैश जा रहा होगा, तो इट वुड बी लाइक के कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही होगी. देखो कभी एक वक्त आएगा कि कैश कहां पे पहुंच जाएगा, अपर लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा. इसको मैक्सिमम कैश को अपर लिमिट भी कहते हैं. जब कैश अपर लिमिट पे पहुंचेगा ना, तो वो हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन बताएगा, एक इंडिकेटर बताएगा कि यार कैश को कम होना चाहिए. कैश तो बढ़ता जा रहा है, हमारे पास सरप्लस कैश जमा हो रहा है, तो हम यहां पर एक डिसीजन लेंगे. और वो डिसीजन क्या होगा, हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे. ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हम इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करेंगे. जैसे ही हम ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय करेंगे क्या होगा, कैश हमारे पास से क्या हो जाएगा, कम होके रिटर्न पॉइंट के आसपास आ जाएगा. सही. फिर वो इसी तरह से मूव होता रहेगा. फिर अचानक से क्या हुआ कि कैश मिनिमम पे आ गया. जब कैश मिनिमम पे आएगा तो इसका मतलब हमें कैश की जरूरत है, कैश कम हो रहा है हमारे पास, तो जो हमने सिक्योरिटीज खरीदी होंगी ना वो सिक्योरिटीज हम बेच देंगे. सही है. जब सिक्योरिटी बेचेंगे तो कैश दोबारा कहां आ जाएगा, रिटर्न पॉइंट पे आ जाएगा. सही है. तो इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो कैश होना चाहिए ना वो रिटर्न पॉइंट के आसपास होना चाहिए. अगर वो रिटर्न पॉइंट से अपर लिमिट पर पहुंच जाए तो आप एक एक्शन लेंगे. क्या एक्शन लेंगे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब वो सिक्योरिटीज जिसको इजीली कैश में बाद में कन्वर्ट करवाया जा सकता. और अगर कैश लोअर साइड पे जाएगा तो हम, अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी तो हम वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सेल कर देंगे ताकि हमारे पास जो भी पैसों की कमी है वो पूरी हो जाए. ठीक है. अच्छा, इस मॉडल के अंदर जो डिफरेंस है कितना, अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है ना, इसके लिए इसने टर्म इस्तेमाल की है, इसको कहते हैं स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपर लिमिट है 20,000 और लोअर लिमिट इसने रखी है 8,000, तो स्प्रेड कितना होगा, 12,000 का. ये स्प्रेड क्या बता रहा है, ये स्प्रेड ये बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ये एग्जाम में हमें कैलकुलेट करने को दिया जाएगा कि अपर स्प्रेड निकालो, ये स्प्रेड कितना है. तो स्प्रेड निकालने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा कि स्प्रेड किस तरह से निकालते हैं. सही है. फॉर्मूले इसके जो भी एग्जाम में प्रोवाइड किए जाएंगे वो मैं दे रहा हूं, उन फॉर्मूलों को में से एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है.
ये फॉर्मूले दिए, पहला फॉर्मूला स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला। स्प्रेड निकालने के लिए ये फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर थ्री अपॉन फोर ब्रैकेट के अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो के साथ, और नीचे डिवाइड हो रहा है इंटरेस्ट रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इंटरेस्ट रेट होने चाहिए पर डे, पर डे इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, और यहां पर ये हो रहा है वन अपॉन थ्री। सही है, जब हमारे पास स्प्रेड आ जाता है ना, तो स्प्रेड आने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं, रिटर्न पॉइंट, उसका फॉर्मूला है लोअर लिमिट, ये एग्जाम में गिवन होगी, और वन थर्ड ऑफ स्प्रेड। तो लोअर लिमिट फाइंड आउट, रिटर्न पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्प्रेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो अपर लिमिट के लिए मुझे लोअर लिमिट गिवन होगी, स्प्रेड मैंने निकाल लिया होगा, उन दोनों को प्लस करूंगा तो अपर लिमिट आ जाएगी, रिटर्न पॉइंट आ जाएगा, और स्प्रेड में इस फॉर्मूले से निकाल सकते। तो इसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होंगे ये सारे फॉर्मूले को हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्या चीज, तो ये प्रोवाइड होगा, हाँ ये प्रोवाइड किया जाएगा। मैं भी देता हूँ एक सवाल ना, मैं डिस्कस करता हूँ इसका मतलब ही बताता हूँ कि क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं दिया जाता एग्जाम में, बल्कि फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर रहा है ये, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन, let's discuss the question. An entity is wishing to control its cash balance more efficiently and has given you the following information. Management has decided on a minimum current account balance of 1500. This gives the lower limit. Lower limit given is? लोअर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 1500। सही है, द एंटिटीज कैश फ्लोज हैज अ डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 300 एंड डेली वेरियंस इज 90,000। वेरियंस अगर ना दिया हुआ ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका आंसर वेरिएंस के बराबर आ जाता है। अगर कभी सवाल में ना दिया हुआ तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, $5। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई $5। सही है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। पर डे निकालना हो तो पर डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 12% पर है ना, मैं ना पर डे निकालना है तो उसे 365 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बना, 0.033% पर डे। चाहिए क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्प्रेड, द अपर लिमिट, द रिटर्न पॉइंट एंड हाउ मच must be transferred from the accounts when the upper and lower limits are reached. तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो क्या करना है, स्प्रेड निकालना। क्या फॉर्मूला था, इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, थ्री अपॉन फोर को कहते हैं 0.75, राइट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी थी सवाल में, 5। वेरिएंस कितना था, 90,000। इंटरेस्ट रेट पर डे 0.033%।
अच्छा इसमें पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर पावर लगा के फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करो। ये पूरे का आंसर है जी, कंप्लीट पूरे का, यानी कि ये स्प्रेड का आंसर है जी, 651.19। एक दफा दोबारा जो ना जो ब्रैकेट वाला आंसर है ना जी, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ना स्प्रेड का, वो आएगा 3023। इसका आंसर आना चाहिए 3023। इसका एक्चुअल आंसर ये है। नीचे डिवाइड किससे किया है? 0.033% परसेंटेज का मतलब है ये होगा, नीचे वाली जो फिगर होगी ना परसेंटेज में लाने का मतलब है ये होगी 0.033 डिवाइडेड बाय 100, 0.0033, 0.0033 परसेंटेज के बगैर, तो ये बनती है फिगर 5 × 0.75 डिवाइडेड बाय 0.3022.55। सही आ गई जी। अच्छा अब रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट थी 1500 और 1/3 ऑफ स्प्रेड। इसको सॉल्व करो। का रिटर्न पॉइंट है, ठीक है, और अपर लिमिट कितनी होगी? अपर लिमिट है लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, इन दोनों को प्लस कर लो। आ गया आंसर। अब अगर इसका मुझे स्केच बनाना है ना, तो इसका स्केच के अंदर अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करूं, तो लोअर लिमिट आ गई फॉर एग्जांपल 1500, अपर लिमिट हमारी आ रही थी 4523 और रिटर्न पॉइंट हमारा आ रहा था 2508। अब होगा पता क्या, ये अगर यहाँ मूव कर रहा है, अगर ये डैश यहाँ पहुंचेगा 4523 पर, तो हम कितनी सिक्योरिटी बाय करेंगे? हम सिक्योरिटी बाय करेंगे 4523 माइनस 2508। और उसके बाद ये फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, अगर ये यहाँ पहुंच गया तो हम कितनी सिक्योरिटी सेल करेंगे? वन थाउजेंड एट
कितना? 1080. सही है। इसके अंदर ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है और जो वेरिएंस रखा गया है, इसके अंदर वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन। जितना हमारे पास कैश के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी ना, ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, दिस इज वेरिएशन। जितना हमारे पास वेरिएशन ज्यादा होगी, उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि ये कभी ऊपर लिमिट को टच करेगा, कभी लोअर लिमिट को टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाई वेरिएशन होगी ना, उतना स्प्रेड भी हाई रखना चाहिए, ताकि बार बार बाय और सेल ना करना पड़े। क्योंकि अगर बार बार बाय और सेल करेंगे, तो जब भी कोई चीज बाय की जाती है और कोई चीज सेल की जाती है, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। इसलिए इसके जो स्प्रेड का ताल्लुक है, वो दो चीजों से है कि आपकी वेरिएशन कितनी है और आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है या लो है। सो अगर वेरिएशन ज्यादा होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा। सही है।